बहुत शुक्रिया ममता जी। टॉप लाइन्स यानी खबरें विकास की और खबरें अर्थ जगत से, आइए देखते हैं क्या कुछ है बड़ी खबरें आज की। पुणे से होगी स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी 25 जून को करेंगे शिलान्यास। मोदी स्मार्ट नेट पोर्टल का भी करेंगे शुभारंभ, शहर के कायाकल्प के लिए नागरिकों की भागीदारी को लेकर करेंगे आह्वान। पहले चरण में चुनी गई 20 स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट्स की तैयारियां जोरों पर, टेंडर जारी हो चुके हैं। नाउ सीएनजी से चलेंगे टू व्हीलर्स, 120 किलोमीटर प्रति किलो होगा माइलेज। पेट्रोलियम मंत्री और पर्यावरण मंत्री ने सीएनजी चालित स्कूटी को दिखाई हरी झंडी, इन वाहनों से प्रदूषण मुक्त वातावरण को कायम रखने में मिलेगी मदद। गेल के हवा बदलो अभियान के तहत पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया। टेक्सटाइल क्षेत्र में प्रोत्साहन के से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा इस क्षेत्र में नौकरियों के सृजन की काफी अक्षमता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र के लिए 6000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी, 11 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। और घरेलू काले धन पर सरकार सख्त, मॉल्स और पॉश मार्केट्स में होगी ब्लैक मनी स्कीम का प्रचार, सीबीडीटी ने आयकर विभाग को दिया निर्देश, विज्ञापनों के जरिए की जाएगी पब्लिसिटी। काले धन का खुलासा करने वालों के नाम सार्वजनिक नहीं हो तभी योजना को मिल सकती है सफलता। और कैशलेस इकोनॉमी के लिए आरबीआई का नया रोड मैप, नए विजन 2018 के तहत पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के तहत कार्ड और आधार कार्ड के इस्तेमाल पर दिया जा रहा है जोर। और देखते हैं कि ब्रेक्जिट को लेकर के पूरी दुनिया भर में जो बाजार है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि अब जो तमाम दुनिया भर के बाजार हैं, चाहे वो शेयर बाजार की बात करें, मुद्रा बाजार की बात करें, वहां पर लगातार उठापटक का दौर जारी है। और सबसे ज़्यादा जो फॉरेक्स मार्केट हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। पाउंड जो है वो अभी अपने एक तरह से गिरावट की ओर जा रहा है डॉलर के मुकाबले। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डाउ जोन्स, S&P 500 और नैसडेक में उछाल, क्योंकि डॉलर जो है वो लगातार मजबूत हो रहा है और एक सेफ हेवन के तौर पर देखा जा रहा है डॉलर को। यूरोपियन मार्केट की बात करें, यूरोजोन क्राइसिस के बाद ये शुरुआत हुई ब्रिटेन की और एग्जिट की बात शुरू हुई है। यहाँ पर भी जो कल की क्लोजिंग है वो तेजी के साथ बंद हुई है। एशियाई बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। गिरावट के साथ शुरुआती कारोबार में सभी के सभी बाजार कारोबार करते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। निकेई बिल्कुल फ्लैट, हैंगशेंग करीब 0.25%, शंघाई कंपोजिट और SGX निफ्टी में भारी गिरावट की संभावना, यानी भारतीय बाजार पर इसका असर थोड़ी देर में देखने को मिल सकता है। S&P BSE, सेंसेक्स और निफ्टी कल फायदे के साथ बंद। फिलहाल अर्थ जगत के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, वापस चलते हैं स्टूडियो ममता जी के पास।